हेलो दोस्तों, आज हम दो बहुत बड़े स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है बजाज फाइनेंस और दूसरा है दोस्तों एचडीएफसी बैंक। आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े और दोस्तों ब्लू चिप स्टॉक जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बना के दिया लोगों को, लेकिन आज के डेट में दोस्तों बहुत भारी नुकसान के साथ स्टॉक में गिरावट हो रहा है। दोनों में अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 11-12% की गिरावट हो रही है दोस्तों दोनों में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा क्या इससे अगर ये प्राइस गिर रहा है तो क्या आपको खरीदना चाहिए या जिन्होंने खरीदा है उसको होल्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वजह बता देता हूं कि बजाज फाइनेंस क्यों गिरा है, ठीक है। बजाज फाइनेंस पीछे गिरने की वजह यह है, बजाज फाइनेंस ने अनसिक्योर्ड लोन दिए थे। अब कुछ लोग पूछेंगे भाई अनसिक्योर्ड लोन होता क्या है। देखिए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या होता है दोस्तों, आपके मोबाइल का पासवर्ड, या मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है, कुछ भी है दोस्तों, ये आपका घर है और ये आपका गेट है, ठीक है। यहाँ पर एक इंसान खड़ा रहता है जो कोई किसी को अंदर भी नहीं जाने देगा ना ही बाहर जाने देगा, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी, जो बाहर खड़ा रहता है, ठीक है। तो वो क्या दिया दोस्तों, बजाज फाइनेंस ने क्या किया, अनसिक्योर, मतलब वो सिक्योर नहीं था, सेफ नहीं था, तो जो सेफ नहीं था वैसे वैसे इन्होंने लोन बांटा लोगों में। और आज के डेट में दोस्तों जब इनको लोन वापस नहीं मिल रहा तो बजाज फाइनेंस मार्केट के साथ गिर रहा है। दोस्तों आप पूछेंगे मार्केट भी गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, क्या बात हुई। तो आप देख सकते हो जिस हिसाब से दोस्तों हर एक राज्य में लॉकडाउन कर दिया गया है, मतलब पूरा इंडिया को लॉकडाउन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों मार्केट में क्या हो रहा है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, ठीक है, लोगों के पास पैसे नहीं है, बाहर नहीं जा रहे, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी का भी, चाहे छोटा धंधा हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, कुछ भी नहीं चल रहा, सब कुछ एकदम बंद है दोस्तों। तो क्या है, ईएमआई भरने वाला दोस्तों, ठीक है, ईएमआई भरने वाले नहीं दे रहे, और जिन्होंने लोन दिया था वो भी रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास है नहीं। इसी वजह से दोस्तों, इसी के वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस स्टॉक में बहुत भारी नुकसान हुआ है, 46.59, मतलब दोस्तों हम बोल सकते हैं कि 50% के आसपास ये स्टॉक टूट चुका है, और एक साल के अंदर 13% का नुकसान, मतलब चलिए एक साल के अंदर कुछ नहीं है मान लेते हैं भाई हो गया, लेकिन अगर एक महीने के अंदर इतना बड़ा नुकसान देगा तो लोगों को बहुत बड़ा यहाँ पर देख सकते हो गिरावट देखना पड़ेगा। और एक चीज़ बताता हूँ इसके गिरावट के पीछे, और देख लीजिए दोस्तों बजाज फाइनेंस को अब क्या कर दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ देर पहले ही न्यूज़ आया, 4 आवर अगो, और मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों 8 o'clock 9 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बजाज फाइनेंस ड्रॉप 12% के आसपास गिरा, और डाउनग्रेडेड स्टॉक, मतलब कि दोस्तों स्टॉक को डाउनग्रेडेड कर दिया गया है। इसका मतलब इस स्टॉक को अभी क्या करना है, खरीदना है नहीं खरीदना, क्या करना है नहीं खरीदना, ठीक है, बोलना चाहता है दोस्तों कि ये स्टॉक को नहीं खरीदना, इस प्राइस पर भी आपको ये स्टॉक को नहीं खरीदना है, क्योंकि ये स्टॉक का प्राइस क्या ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, ठीक है, इसीलिए नहीं खरीदना, ठीक है। चाहे देखिए और एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों एचडीएफसी बैंक के भी बारे में, ठीक है। एचडीएफसी बैंक, ये जितने भी बैंकिंग सेक्टर होते हैं दोस्तों ये बीच वाले होते हैं, या तो ना ही ये ऊपर वाले होते हैं या नीचे वाले, ये बीच वाले होते हैं, मतलब कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि इनको अगर देख लीजिए ये समय में कोई लोन लेने वाला या देने वाला नहीं है, अगर लिया भी है तो वो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। और ऐसे लोगों को यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों निफ्टी कितना ज़्यादा गिर रहा है, उसके बाद बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा गिरावट हो रहा है, बैंक निफ्टी में इतना तेज़ गिरावट है और निफ्टी में भी, तो ये बात क्या है दोस्तों, ये निफ्टी का भी स्टॉक है, ठीक है, ये जो आपको एचडीएफसी है ये निफ्टी का भी स्टॉक है, ठीक है, निफ्टी का स्टॉक है दोस्तों, और ऐसे स्टॉक देखो निफ्टी को चलाते भी हैं, ठीक है, ठीके? और निफ्टी गिरेगा तो ये और गिरेगा, तो मैं बोलूँगा आपको एचडीएफसी स्टॉक को भी नहीं खरीदना है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक को भी नहीं खरीदना है। इसमें अभी भी गिरावट नज़र आती है और भी इसमें जो है करेक्शन नज़र आ रहा है। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों से, अगर आप लोगों को वीडियो क्लियर, मान लीजिए कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो थोड़ा ब्लर नज़र आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों को वीडियो अगर क्लीन नज़र आ रहा है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों वीडियो, तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, ताकि दोस्तों अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको वीडियो अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से बना के पहुँचाना चाहूँगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो क्लियर नज़र आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं और भी इम्प्रूवमेंट करूँगा, आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे भाई, ठीक है। तो देखिए ये स्टॉक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, अब एचडीएफसी बैंक के बारे में भाई, इसके चार्ट में तो बहुत ज़्यादा गिरावट है, आप देखते हो ये डायरेक्ट जो है अपोजिट चार्ट बनाया दोस्तों, याद है मैंने आपको एक क्या बोलते हैं, मैंने कप एंड हैंडल चार्ट आप लोगों को सिखाया था कहाँ पर खरीदना है, कप एंड हैंडल चार्ट होता है दोस्तों, ये कप एंड हैंडल चार्ट होता है, वो वीडियो का एक और वीडियो मैं बना दूंगा, ये होता है कप एंड हैंडल। तो यहाँ पर जो होता है दोस्तों ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन वही अगर कोई अपोजिट बना देता है, यहाँ पर देख लीजिए गिरने के बाद अगर कोई अपोजिट बना देता है तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, सेल करना चाहिए, तो इसलिए एचडीएफसी बैंक को अभी भी नहीं खरीदना है, बिलीव करो ये दोनों स्टॉक से दूर रहो, क्योंकि दोस्तों निफ्टी अभी और भी गिर सकता है, निफ्टी
बैंक निफ्टी, सेंसेक्स अभी और भी गिरेगा। और कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, कुछ लोग अपना प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं दोस्तों, कुछ लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये हो सकता है 6500 के आसपास चले जाए या 7000 के आसपास चले जाए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है दोस्तों, कुछ भी हो सकता। तो मेरे ख्याल से आपको अभी दूर रहना चाहिए, प्लीज़ आपको दूर रहना, मत खरीदो, कुछ भी मत खरीदो, कुछ भी मत खरीदो। ठीक है, तो अभी ऐसे स्टॉक से भी दूर रहो। मौका मिलेगा मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा, बस आप वेट कीजिएगा एक इंडिकेशन का। जैसे ही मैं इंडिकेट करूँगा दोस्तों, बाय साइन खरीद लीजिएगा, क्योंकि देखिए जब टाइम आएगा तो ज़रूर मैं आप लोगों को वीडियो बना के भी इन्फॉर्म करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों के पास वीडियो रेगुलर आते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं भाई हम आने वाले अगले वीडियो में।